नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के जरिए सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए कुछ खुशखबरी लेकर आया हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको एक खुशी देगा, एक अलग सी हैप्पीनेस देगा। तो दोस्तों, ये वीडियो को इन तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, घर बैठे सभी बच्चे यही सोच रहे हैं कि स्कूल भी बंद हो गया, ट्यूशन भी लॉकडाउन के कारण बंद है, तो पढ़ाई कैसे करें। ऑनलाइन तो पढ़ाई हो पा रहा है, मगर बच्चे सभी यही सोचते हैं कि जो टीचर पढ़ाएगा और जो हम मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। थोड़ा सा टीचर के सामने जब रहते हैं थोड़ा बेटर समझ में आता है, ऑनलाइन में उतना बेटर समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, मैं बता दूँ, सीबीएसई बोर्ड वालों ने अभी अनाउंस किया है कुछ दिन पहले कि 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों का जो सिलेबस होगा वो 30% कम होगा। तो ये आप लोग के लिए एक खुशी वाली बात है कि आपका सिलेबस हल्का कम हो चुका है। हल्का क्या, 1/3 ऑफ द होल सिलेबस आपका कम हो गया है। तो आपके लिए अच्छी बात है, खुशी वाली बात है, कम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या सिलेबस कहाँ से कम होगा। जैसे सपोज आपके पास मैथ का बुक है, तो आपको ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि मैथ के बुक में 15 चैप्टर है, तो 30% 15 चैप्टर का हो जाएगा, 4 या 5 चैप्टर अप्रोक्स हो जाएगा। तो वो 4 चैप्टर या 5 चैप्टर आगे से कटेगा या पीछे से कटेगा, या बीच से कोई चैप्टर नहीं होगा। ऐसे मन में सवाल आपके उठ रहे होंगे कि कहाँ से कम होगा। तो ये सारे सवाल का जवाब पाने के लिए आप अपने स्कूल के टीचर से संपर्क कीजिए, आपको सारा डिटेल में पता चल जाएगा। आप बस इस वीडियो से इतना जान लीजिए कि आपका 30% सिलेबस कम हो रहा है 2021 के एग्ज़ाम में। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो खुशी दिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।